अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ग्रोसरी सेक्शन में, फूड सेक्शन में मैं आपके लिए एक नेस्ले की प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो आज मैं इसका रिव्यू करूँगा, ऑनेस्टली रिव्यू करूँगा ईमानदारी के साथ, और ये किन चीज़ों के लिए मैं इस्तेमाल कर सकते हो, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या है, और हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा और मेजरमेंट्स भी मैं आपको बताऊँगा कि कितनी आप क्वान्टिटी से कितनी चीज़ें बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा रिव्यू है, अगर आपको ये रिव्यू पसंद है तो आपने इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं एक मिडिल क्लास लोगों के लिए या बिजी स्टूडेंट्स के लिए या जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए पोर्टेबल एवरीडे का एक पैक लेकर आया हूँ मिल्क पाउडर का। बेसिकली ये चाय बनाने के लिए है, तो इससे हम काफ़ी चीज़ें दूसरी भी बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी बनाना भी आपको सिखा चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात उसमें मैंने इसे इस्तेमाल भी किया है। चलें दोस्तों इसका रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों ये मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल है, ग्रोसरी मार्ट और छोटे मोटे जो जनरल स्टोर होते हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पे आपको ये साशे पैक मिल जाएगा। और ये बहुत ही बचत वाला पैक हमारा है, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ मेंशन भी किया कि एक पैक के साथ आप 3 कप चाय बना सकते हैं, लेकिन ये झूठ है, 3 कप नहीं बनते। 3 कप बनाएंगे तो आपको वो बिल्कुल जो कहते हैं ना कव्वे के आंसुओं की तरह कमा थ्रू वाले टेस्ट वाली वो चाय बनती है, तो हमें वो वाली नहीं चाहिए। तो अगर आपने इससे अच्छी चाय बनानी है तो ये वाला एक कप होता है, ये मेजरमेंट्स है, ये 200 मिलीलीटर का कप है, ठीक है। तो ये वाले आपके 2 कप अच्छी क्वालिटी की चाय आपकी बन जाएगी। कॉफ़ी बना लें आप, इससे चाय बना लें तो आपकी ये इससे बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आपने पतला पानी की तरह के पीनी है तो आप फिर 3 कप बना सकते हैं। तो मगरबी जो ममालिक के वहाँ तो 3-4 ड्रॉप्स दूध के डाले जाते हैं या बिल्कुल नहीं डाले जाते, तो वो चाय एज इट पीते हैं, तो उनके लिए तो ये 3 कप हम कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये 3 कप नहीं बनते, ये 2 कप तकरीबन बनते हैं। 3 कप आप ज़बरदस्ती बना सकते हैं। और दोस्तों इसका जो नेट वेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 13 ग्राम का पैक है और ये तकरीबन 2 टीस्पून बनता है। और अगर आपने कोई केक बनाना है, ठीक है, या बिस्किट्स वगैरह बनाना है जिसमें 2 टीस्पून आपको रिक्वायर्ड है, तो आप ये एक पैक डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी से इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने इसे केक पुडिंग शूडिंग बनाया हुआ है। और आपने अगर इसे मिल्क शेक बनाना है तो आप इसे मिल्क शेक भी बना सकते हैं। मैं डेली अमूमन बना के इसे पीता हूँ। और वो आपने कैसे बनाना है, इस तरह का आपने पैक लेना है, ठीक है, कप ले लेना है, ठीक है, इस तरह के पैक लेके इसके अंदर आपने पोर कर लेना है और इतना ही आपने पानी डाल देना है, 200 मिलीलीटर पानी डाल देना, उसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और फिर आप इसमें 1 केला 2 केले या मैंगो डाल के आप 1 टेबल स्पून चीनी के साथ या 2 टेबल स्पून चीनी के साथ, जितना आपको चीनी पसंद है, थोड़े बर्फ़ डाल के आप बहुत अच्छा रिच ग्लास घर के अंदर 10 से 15 रुपये में बना सकते हैं, यानी 20 रुपये में आपका ग्लास घर में बन जाता है। स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल्स में रहते हैं, प्रोफेशनल के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता है, फटाफट वो एक पैक ये डालें और 1 ग्लास भर के पानी का डालें, 200 मिलीलीटर दूध ये पानी डालें और बेने बनाना या मैंगो डाल के आप 1 से 1.5 ग्लास बल्कि 2 ग्लास भी बन जाते हैं, ईजीली पी के जा सकते हैं। और एक तो फायदा इसका ये हो गया। और दोस्तों ये पुडिंग बनाने के लिए भी बहुत बेस्ट है, पुडिंग बनाने के लिए भी आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, यानी 200 मिलीलीटर में पानी डालें और आप अंडे वगैरह डाल के उसे शेक कर लें और फिर उसे बेक कर लें, तो आपकी बहुत अच्छी पुडिंग बन जाती है। तो दोस्तों ये मार्केट में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ऊपर 10 रुपये में आपको ये इजीली अवेलेबल है। और नेस्ले एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है, मैं नेस्ले की आपको मुख्य प्रोडक्ट्स की आने वाली वीडियो में बताऊँगा, उनके इस्तेमाल भी बताऊँगा। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, इन्होंने ऊपर से मेंशन किया हुआ है, हाँ पता है सिर्फ चाय के लिए है, लेकिन मैंने आपको बता दी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। मैंने इसे पहनी हलवा बनाया था, मेरे वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा बनता है, मैं अमूमन बनाता हूँ इसके साथ, ठीक है। नेडो का दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे भी आप बना सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने इस्तेमाल करके देखा है। और इसका जो अब मैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आता हूँ, तो दोस्तों इसे आप अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपसे
बिल्कुल रूटीन में ना डालें। हफ्ते में 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुर्दों का आपको मर्ज है, आपके गुर्दों में पथरी या किडनी स्टोन है, तो आप इसे दूध को ओवरऑल भी, जो हमारा गवाले वाला दूध होता है और वैसे भी दूध वाला भी होता है वो भी, और ये जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो ये भी आप कम इस्तेमाल करें, तो क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है, कैल्शियम आपके जो है किडनी को ब्लॉकेज करती है, तो इस वजह से आप कैल्शियम बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी कम इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3-4 दफ़ा कर लें, इट्स ओके। रूटीन में आप इसे 3-3 टाइम चाय बना के मत पिएं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए पेशाब में रिकवर कर सकता है, किडनी स्टोन्स आपके बढ़ा सकता है, तो इस वजह से आप इसे मोतबी इस्तेमाल करें। और ये क्वालिटी टेस्ट से ये पास होते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया। एवरीडे के बड़े पैक्स भी मिल जाते हैं, तो स्पेशली ये डिज़ाइन है उनके लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर लोग हैं बेचारे, या इवन दैन ऐसे लोग भी जो बिजी हैं स्टूडेंट प्रोफेशनल के लिए भी बेस्ट है। तो मैं ऐसे ये सहूलत पैक है, मैं इसे अक्सर ला के इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है जी, आपका दूध ख़राब भी नहीं होता, कि आपने बड़ा पैक खोला तो वो नमी लगने से वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो आप ये ला कर रख छोड़ें, ठीक है। 10 पैक ले आया करें या 20 जितने भी आपने लाने हैं वो ला कर रख छोड़ा करें, जब आपको ज़रूरत होती है आप खोलें। किसी भी आपको डिश के अंदर या रेसिपी के अंदर नान वगैरह के अंदर या बिस्किट्स वगैरह के अंदर, केक वगैरह के अंदर आपको ये रिक्वायर्ड है 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये नेस्ले एवरी डे का रिव्यू आपको पसंद आया होगा, आप तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे दोनों मेरा एक चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, पाकिस्तान कलर क्लाउड पाकिस्तान के नाम से, तो आप वो डैंग का चैनल है ग्राफिक्स का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन पे जो है उसे नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको फ्रेश वीडियो मेरी मिलते रहें। तो इसी तरह मैं आपके आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फूड रिव्यूज लेकर आऊँगा, अच्छी अच्छी डिशेज लेकर आऊँगा और आपके लिए अच्छी ड्रिंक्स लेकर आऊँगा दूसरे चैनल में कलर क्लाउड में। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें कि जल्द आप इस टेक केयर।